हेलो, नमस्ते। आप सबका स्वागत है द टेस्ट गार्डन के किचन में। आज हमने बनाया केले का फूल से कटलेट। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। थैंक यू। आज हम केले का फूल का कटलेट बनाएंगे। इसका इंग्रेडिएंट जो है, ये प्याज है, 50 ग्राम चॉप किया है, फाइनली चॉप किया हुआ है, और एक पेस्ट बनाया हमने। वो उसके साथ उसमें हम दालचीनी एक छोटा सा, फिर इलायची 4, लौंग 2, तेज़पत्ता एक छोटा सा, जीरा आधा टीस्पून चाहिए, धनिया आधा टीस्पून चाहिए और टमाटो 50 ग्राम। इसको हम स्मूथली अच्छे से ब्लेंड करके रखें, थोड़ा सा पानी में। पानी की भी ज़रूरत नहीं है, टमाटो है तो उसी से हो जाता है अच्छे से। और अब उसके साथ हमें चाहिए केले का फूल, वो 250 ग्राम है। उसको हमने नमक हल्दी के साथ 10-12 मिनट के लिए बॉईल किया है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तब तक बॉईल करेंगे, 10-12 मिनट। और उसके बाद हमने ये पोटैटोस को भी हमने बॉईल किया है 250 ग्राम, और फिर हमने उसको ग्रेट करके रखा हुआ है। फिर रेड चिल्ली पाउडर चाहिए आधा चम्मच, आपको थोड़ा तीखा चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, नमक स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया हुआ है। टर्मरिक चाहिए 1/4 टीस्पून, फिर ग्रीन चिल्ली 2 चाहिए, प्रॉन्स 100 ग्राम, ये ऑप्शनल है। इस प्रॉन्स को हमने नमक हल्दी के साथ थोड़ा 2-3 मिनट के लिए सॉटे किया है, और उसको हमने थोड़ा सा धरधरा कूटा हुआ है, एक अच्छा फ्लेवर देगा। ये ऑप्शनल है, आपको वेज बनाना है कम्प्लीटली तो इसको आप ना भी ले तो अच्छा है। और फिर स्लरी बनाएंगे, थिन स्लरी। ये मैदा 1/4 कप है, उसमें आधा कप पानी डाल के थिन स्लरी बनाया है उसका। ये कटलेट्स को पहले हम इसमें कोट करेंगे, उसके बाद में हम सूजी के साथ इसको कोट करेंगे। सूजी सूजी 1 कप, और चाहिए तो और थोड़ा ज़्यादा जब चाहिए, अभी तो 1 कप में हो जाएगा मुझे लग रहा है, ज़रूरत पड़े तो और थोड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल, तेल अब गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को थोड़ा हल्का पिंक होने तक भूनेंगे। प्याज हल्का गोल्डन हो चुका है तो अब हम इसमें ये वेट पेस्ट डाल देंगे, वेट पेस्ट है वो डाल देंगे। इसको हम अभी 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हम 2-3 मिनट के लिए अभी तेल अलग होने तक भूनेंगे, मसाला भी भून जाएगा। इसके साथ हम अभी हल्दी डाल देंगे, मिर्ची भी डाल देंगे और थोड़ा सा आधा नमक डालेंगे पहले। ओके, मुझे 2-3 मिनट लगा मसाला को भूनने के लिए। देखो अब तेल भी अलग हो चुका है तो इस मसाला का कच्चापन भी निकल चुका है। तो अब हम इसमें ये केले का फूल जो फाइनली चॉप्ड है ये डाल देंगे। ओके, 5-6 मिनट के लिए हमने मसाला के साथ इस केले का फूल को हमने भुना है। इसे थोड़ा ज़रा ड्राई भी हो चुका है, इसे सूखा बनाना है हमें। तो अभी इसके साथ हम ये हरा मिर्ची डाल देंगे जो है, और ये बाकी अभी ये आलू भी डाल देंगे, ग्रेटेड पोटैटो। अभी इसके साथ इसे हम अच्छे से सुखाएंगे, इस दोनों को अच्छे से मिक्स करके। ओके, इसे एकदम ड्राई होना है तो इसमें
और अभी इसके साथ हम अभी ये प्रॉन्स को भी डाल देंगे, ये तो ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप दे, ये तो वेज भी बना सकते हैं इसको विदाउट प्रॉन्स। और नमक भी एक बार चेक कर लीजिए, आपको चाहिए तो और थोड़ा नमक डाल सकते हैं। अब इसे हम 5-6 मिनट के लिए ये मसाला के साथ अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम में, अच्छे से मसाला भी मिक्स हो जाएगा इसके केले के फूल के साथ। ये देखिए, ये अभी मेरा ये पूरा सूख, इसको सुखाएंगे हम पूरा अच्छे से, इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए, एकदम थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब तक हम इसे भूनेंगे मीडियम फ्लेम में, वो तो जल जाएगा। ओके, ये देखिए, ये आप अच्छे से एकदम सूखा मसाला बन चुका है ये, अभी इसे हम ठंडा होने तक, ठंडा होने के लिए रखेंगे, ये अलग से निकाल के रखेंगे, फिर बाद में इसको कटलेट का शेप देंगे और फिर फ्राई करेंगे। ओके, अब ये ठंडा हो चुका है, अब इसको हम कटलेट शेप देंगे, ये आपको जैसा अच्छा लगे वैसे ही आप उसी साइज़ में आप बना के ऐसे पहले राउंड करेंगे, फिर थोड़ा सा हल्का सा दबाएंगे ऐसे, फिर अलग से रखेंगे, फिर से ऐसे सेम साइज़ आपको जैसा जितना बड़ा साइज़ चाहिए। अब ये कटलेट को हमने शेप दिया है और थोड़ा देखिए ऐसे शेप दिया है, थोड़ा लेमन साइज़ का है, लेकिन उसके बाद में पहले राउंड शेप किया फिर थोड़ा सा फ्लैट कर दिया है, ये साइज़ थोड़ा छोटा छोटा मैंने बनाया है, ये फ्राई करने के लिए और थोड़ा क्रिस्पी होने के लिए बहुत अच्छा रहता है, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो अंदर से थोड़ा सा सॉगी भी रह जाए। और ठीक है, पहले ये हम अभी स्लरी में मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद में इसको सूजी का इसमें कोट करेंगे, फिर 10-15 मिनट्स के बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। ओके, अब ये कटलेट अच्छे से कोटिंग सूजी के साथ सेट हो चुका है, 15-20 मिनट के लिए हमने रखे थे, अब इसे हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है। हम अभी ये कटलेट फ्राई करने के लिए 1 कप ऑयल तेल डालेंगे, तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे मीडियम हीट में। थोड़ा छोटा है इसलिए हम एक साथ 3 भी डाल सकते हैं, इसे गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। ये दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, ये गोल्डन, हल्का गोल्डन हो चुका है, और ये मुझे ये 5-6 मिनट लगा ये बनने में, तो बहुत ही अच्छा सा कोटिंग आया है उसमें। अब इसे अलग से निकाल के रखेंगे, फिर आप दूसरा फिर से डालेंगे, मीडियम हीट में ही रखिए,